हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्वेता एंड करंटली आई एम सेकंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट जीएमसी जालौन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का सिलेबस, जिसमें मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का बता चुकी हूँ। अभी इस वीडियो में हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट सेम का होगा, ठीक है। और ये सिलेबस जो है वो INC ने जो सिलेबस दिया है, वही सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। INC के द्वारा जो अप्रूव सिलेबस है, उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है वो सिलेबस में से ही आता है, उसमें जितना आपके सिलेबस में दिया है उससे बाहर नहीं आता है। तो हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में एक्स्ट्रा की चीज़ क्यों पढ़नी है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों की बुक्स ऐसी होंगी जिनमें कुछ एक्स्ट्रा दे रखा होगा, और काफ़ी लोगों की बुक्स ऐसी होंगी जिनमें एक दो टॉपिक्स नहीं होंगे, तो वो आपको एक सिलेबस का इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेटिव इंग्लिश और FON का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है कम्युनिकेशन, जिसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द कम्युनिकेशन रोल ऑफ लिसनर्स, स्पीकर्स, रीडर्स एज एंड राइटर एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंड यूनिट है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू LSRGW है, जहाँ पे आपका L फॉर लिसनिंग है, S फॉर स्पीकिंग है एंड R फॉर रीडिंग है, GR फॉर ग्रामर है एंड W फॉर राइटिंग है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको लिसनिंग पढ़ना है, डिफरेंट टाइप की लिसनिंग, देन आपको स्पीकिंग पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सोनेंट्स, वॉल्स, वर्ड्स, सेंटेंस, ट्रस इन इंटोनेशन, ये सब पढ़ना है। फिर रीडिंग आता है, जिसमें आपको मेडिकल वोकैबुलरी पढ़नी है। उसके बाद ग्रामर में आपको अंडरस्टैंडिंग टेंसेस एंड लिंकर्स, देन W से राइटिंग, जिसमें आपको सिंपल सेंटेंसेस राइट करने हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स मिल सकते हैं, इम्फेसिस ऑन करेक्ट ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट है अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग में क्या है, फोकस ऑन लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, अनाउंसमेंट्स, डिस्क्रिप्शंस, नैरेटिव, इंस्ट्रक्शंस, डिस्कशंस एंड डेमोंस्ट्रेशन, देन रिप्रोड्यूसिंग वर्बेटिम, लिसनिंग टू एकेडमिक टॉक्स एंड लेक्चर्स, लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट यूनिट है आपका स्पीकिंग इफेक्टिव कन्वर्सेशन, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, कन्वर्सेशन सिचुएशन पढ़नी है, जिसमें आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल और न्यूट्रल पढ़ना है। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बेस ऑफ स्पीकिंग लाइक सेटिंग, टॉपिक, सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड लैंग्वेज। देन ग्रीटिंग्स है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, रिक्वेस्टिंग है, आस्किंग फॉर गिविंग परमिशन, स्पीकिंग पर्सनली एंड कैजुअल कन्वर्सेशन, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस, एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, गिविंग ओपिनियंस, डिस्क्राइबिंग पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, थिंग्स, नरेटिंग, रिपोर्टिंग, रीचिंग कंक्लूजन्स, देन इवेल्युएटिंग एंड कंपेयरिंग कंप्लेंट्स एंड सजेशंस, टेलीफोन कन्वर्जेशन एंड डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस। देन फिफ्थ यूनिट है रीडिंग। रीडिंग में क्या है आपका, रीडिंग स्ट्रेटजीज, रीडिंग नोट्स एंड मैसेजेस, रीडिंग रिलेवेंट आर्टिकल्स एंड न्यूज़ आइटम्स, वोकैबुलरी फॉर एवरीडे एक्टिविटीज, एब्रीविएशंस एंड मेडिकल वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग विजुअल्स, ग्राफ्स, फिगर्स एंड नोट्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है रीडिंग रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रेटिंग दैम, अंडर यूजिंग idioms एंड phrases, spotting errors, vocabulary एंड presentation, remedial grammar। लास्ट यूनिट है आपका शायद ये राइटिंग स्किल, जिसमें आपको राइटिंग पेशेंट हिस्ट्री, नोट टेकिंग, समराइजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, लेटर राइटिंग, डेयरी, जर्नल राइटिंग, डायरी, जर्नल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पेपर राइटिंग स्किल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। नेक्स्ट है आपका लास्ट ये वाली यूनिट है LSRW, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज फॉर लिसनिंग एंड रीडिंग, ओरल रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, एरर एनालाइजिंग, रीडिंग LSRW, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन था आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। कम्युनिकेटिव इंग्लिश बेसिकली आपको फर्स्ट सेम में इसीलिए पढ़ाई जाती है, जिससे कि आपको
बेसिक आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट के साथ, आपको कैसे वहाँ पे बिहेव करना है एक वार्ड में, या फिर आप अगर कॉलेज में हैं तो वहाँ पे आपको टीचर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, और अदर जो फैकल्टी वगैरह होते हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करना है, आपका बिहेवियर कैसे दिखता है आपकी कम्युनिकेशन से, बेसिकली वही पढ़ाया जाता है आपको कम्युनिकेशन में। और ये जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है इसका कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता, बट हाँ इंटरनल एग्जाम होता है आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। अब हम देखते हैं आपका FON का सिलेबस, यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन। ये है आपका नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस। नर्सिंग फाउंडेशन आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों ही सेमेस्टर में है, और इसका एग्ज़ाम जो है सेकंड सेम में होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का एक साथ। फर्स्ट सेम में इसका आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इसमें केवल मैं फर्स्ट इस वीडियो में केवल फर्स्ट सेम का सिलेबस ही बता रही हूँ, ठीक है। सेकेंड सेम का अभी बाद में अपलोड करूँगी जब सेकेंड सेम का सारे सब्जेक्ट्स का बताऊँगी, इसमें केवल मैं फर्स्ट सेम का FON का बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डेफिनेशन बाय WHO एंड डायमेंशंस पढ़नी है, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस, इलनेस इसके टाइप पढ़ने हैं, इलनेस बिहेवियर पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, तो ये पढ़ना है आपको फर्स्ट यूनिट में। देन आपकी सेकेंड यूनिट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आपका जो फर्स्ट मेजर टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग्स, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, लेबल्स ऑफ इलनेस पढ़ना है, प्रिवेंशन पढ़ना है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, फिर लेबल्स ऑफ केयर है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज सर्विसेज, हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स हॉस्पाइस रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज, एंड देन हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ना है आपको, टाइप्स पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, एंड लास्टली आपको इसमें हेल्थ केयर टीम्स इन हॉस्पिटल मेंबर्स एंड देयर रोल्स के बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट है आपकी हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, तो इसमें आपको नर्सिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इसी चैप्टर में आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नर्सिंग डेफिनेशन पढ़ना है, नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स फिलोसफी ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर स्कोप ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, उसके बाद फंक्शंस ऑफ नर्स, क्वालिटीज ऑफ नर्स, कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल, देन नर्सिंग एज अ प्रोफेशन में आपको डेफिनेशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं एंड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन पढ़ना है, वैल्यूज़ पढ़नी है, यहाँ पे वैल्यूज़ में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मीनिंग्स पढ़नी है एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है, फिर कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ नर्सेस, जिसका आपको केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। देन आपका फोर्थ यूनिट आता है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, तो इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, लेबल्स एलिमेंट्स प्रोसेस टाइप्स मोड्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, देन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, फिर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हेल्पिंग रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पर्पस एंड फेजेस, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद पेशेंट्स फैमिलीज एंड टीम मेंबर्स, मेंटेनिंग इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन विद वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन वुमेन फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड एल्डरली, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ यूनिट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, पर्पस ऑफ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स एंड कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म्स, मेथड्स एंड सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग एंड गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डूज एंड डोंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लीगल गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग में आपको पढ़ना है चेंज ऑफ शिफ्ट रिकॉर्ड्स, ट्रांसफर रिपोर्ट्स एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आपका सिक्स यूनिट है वाइटल साइंस, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है,
गाइडलाइन फॉर टेकिंग वाइटल साइंस, जिसमें आपका फर्स्ट वाइटल साइंस में आता है बॉडी टेम्परेचर, जिसमें आपको डेफिनेशन, फिजियोलॉजी, रेगुलेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर पढ़ना है, असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, साइट्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स पढ़नी है, देन टेम्परेचर अल्टरेशन पढ़ना है जिसमें हाइपरथर्मिया, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक एंड हाइपोथर्मिया पढ़ना है, देन फीवर एंड पायरेक्सिया, डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स एंड स्टेजेस पढ़नी है, नर्सिंग मैनेजमेंट, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, पल्स पढ़ना है, पल्स में आपको डेफिनेशन पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, रेगुलेशन पढ़ना है एंड कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स, असेसमेंट ऑफ पल्स, साइट्स, इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स पढ़नी है, अल्ट्रेशन इन पल्स पढ़ना है, फिर आता है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है रेस्पिरेशन में, फिजियोलॉजी, रेगुलेशन, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन टेक्निक्स पढ़नी है, आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेशन, देन ब्लड प्रेशर, जिसमें आपको डेफिनेशन, फिजियोलॉजी, रेगुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी पढ़ना है, देन असेसमेंट ऑफ बीपी, साइट्स, इक्विपमेंट, टेक्निक्स एंड कॉमन एरर्स ऑफ इन बीपी असेसमेंट, अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर, डॉक्यूमेंटिंग वाइटल साइंस, देन आपका सेवेंथ यूनिट्स जो है वो है इक्विपमेंट एंड लिनन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल, जिस लिनन, रबर, गुड्स, ग्लासवेयर, मेटल, प्लास्टिक एंड फर्नीचर, जो भी लिनन होते हैं और इक्विपमेंट होते हैं रबर के होते हैं या फिर ग्लासवेयर होते हैं या फिर मेटल के होते हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ना है, फिर हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंडेंट का मेंटेनेंस पढ़ना है, इन्वेंटरी पढ़नी है, देन आपका आता है एट्थ यूनिट जो कि है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन, तो इसमें फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, फैक्टर्स इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, बॉडी डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, जिसमें आपको प्रिकॉशन पढ़ने हैं, जिसमें हैंड हाइजीन आता है, हैंड वॉशिंग एंड यूज़ ऑफ हैंड रब, यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड हजार्ड्स टू, और इस सब का आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ना है, देन आता है आपका कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप, जिसमें आपको कंफर्ट के बारे में पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंफर्ट, टाइप्स ऑफ बेड इंक्लूडिंग लेटेस्ट बेड्स, पर्पसेस एंड बेड मेकिंग, थेरापेटिक पोजिशंस पढ़नी है, कंफर्ट डिवाइसेस पढ़ने हैं, फिर स्लीप एंड रेस्ट में फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप, प्रमोटिंग रेस्ट एंड स्लीप, स्लीप डिसऑर्डर्स, पेन फिजियोलॉजी, कॉमन कॉज ऑफ पेन, टाइप्स ऑफ पेन, असेसमेंट ऑफ पेन बाई पेन स्केल एंड नार्कोटिक स्केल्स, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीविंग मेजर्स, जिसमें हम नार्कोटिक्स का यूज़ है, TEN devices है एंड PCA है, invasive techniques of pain management, any other newer measures, CAM जिसमें complementary and alternative healing modalities है, next आपका 10th unit है promoting safety in health care environment, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, physical environment, temperature, humidity, noise, वेंटिलेशन, लाइट, ओडर एंड पेस्ट कंट्रोल, रिडक्शन इन फिजिकल हजार्ड्स, फायर, एक्सीडेंट्स, फॉल रिस्क असेसमेंट, रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ्टी डिवाइसेस, रिस्ट्रेंट्स, टाइप्स, पर्पसेस, इंडिकेशन, लीगल इम्प्लीकेशन एंड कंसेंट, एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट्स, स्किल एंड प्रैक्टिस गाइडलाइंस, अदर सेफ्टी डिवाइसेस, साइड रेल्स, ग्रैब बार्स, एम्बू अलार्म्स, नॉन किड स्लीपर्स ETC. नेक्स्ट आपका यूनिट है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, इसमें आपको पढ़ना है एडमिशन टू द हॉस्पिटल यूनिट एंड प्रिपरेशन ऑफ यूनिट, एडमिशन ऑफ बेड, एडमिशन प्रोसीडर, मेडिको लीगल इश्यूज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, टाइप्स, प्लान्ड डिस्चार्ज, लामा एंड एब्सकॉन्ड, रेफरल एंड ट्रांसफर्स, डिस्चार्ज प्लानिंग, डिस्चार्ज प्रोसीजर, मेडिको लीगल इश्यूज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स, केयर ऑफ द यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज एंड
आपका 12th यूनिट है मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, अलाइनमेंट एंड पोस्चर, जॉइंट मोबिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटी, एक्सरसाइज जिसमें टाइप्स एंड बेनिफिट्स पढ़ने हैं, इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटी, अल्टरेशन इन बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इम्पेयर्ड बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी असेसमेंट, टाइप्स एंड डिवाइस यूज्ड, मेथड्स, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मेंटेनिंग बॉडी अलाइनमेंट पोजीशंस, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, वॉकिंग, असिस्टिंग क्लाइंट्स विद एम्पिटेशन, एम्बुलेशन, केयर ऑफ पेशेंट्स विद इमोबिलिटी यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच, केयर ऑफ पेशेंट्स विद कास्ट एंड स्प्लिंट्स। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में पेशेंट टीचिंग इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पसेस एंड प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग नर्सिंग प्रोसेस इन पेशेंट टीचिंग। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल, स्कोप एंड रूल्स, फर्स्ट एड मैनेजमेंट, वुंड हेमरेज एंड शॉक, मस्क्यूलोस्केलेटन इंजरीज, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, मसल इंजरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज एंड बेसिक CPR, अनकॉन्शियसनेस, फॉरेन बॉडीज, स्किन, आई, ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्टमक, बर्न्स एंड स्केल्ट्स, पॉइजनिंग बाइट्स, स्टिंग्स, फ्रॉस्ट बाइट एंड इफेक्ट ऑफ हीट, कम्युनिटी इमरजेंसीज। तो इतना ही था आपके फर्स्ट सेम में, कितनी है, यस 14 यूनिट है आपकी फर्स्ट सेम में, बाकी का आपका सेकेंड सेम में जो भी पोर्शन बचा है वो आपको सेकेंड सेम में पढ़ना है। तो इतना ही था, ठीक है, हाँ बस इतना ही था आपका फर्स्ट सेम में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और FON का इतना था, और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। तो ये था आपका फर्स्ट सेम का सिलेबस जिसमें FON बता दिया मैंने अभी और नर्स कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और अभी आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी उसका मैं पहले से बता चुकी हूँ, मतलब एक और वीडियो अपलोडेड है उसमें यूट्यूब पे ही, तो आपको मिल जाएगा। और फर्स्ट सेम का आपका इतना ही सिलेबस था, सेकेंड सेम का सिलेबस अगर आप लोग जब बताएंगे तब मैं डाल दूँगी, अभी तो आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।